वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानियों ने मुझे कभी मायूस नहीं किया, मैं वादा करता हूं कि खून के आखिरी कतरे तक अपनी कौम के हकूक के लिए लड़ूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में कहना था कि जिस तरह का पाकिस्तान बना दिया गया है उसका ख्वाब ना तो इलामा इकबाल ने देखा और ना ही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी ताबीर सोची थी। इमरान खान ने कहा कि कभी मेरी कौम ने मायूस नहीं किया, दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं, सारे मजमे का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितनी भी मेरी जिंदगी है आपके लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। उनका कहना था कि इस ग्राउंड में खड़े होकर कायद आजम ने 1940 में एक ऐलान किया था। कायदे आजम ने मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए। आप सब खुद से सवाल करें कि पाकिस्तान क्यों बना था। जिस तरह का ये पाकिस्तान बन चुका है ये इलामा इकबाल का ख्वाब और कायदे आजम की ताबीर नहीं थी। हम आज तबाही की तरफ जा रहे हैं। कायदे आजम जो पाकिस्तान चाहते थे उसमें सबके हुकूक थे। उस पाकिस्तान में अकलियतों के हुकूक बराबर थे। उन्होंने कहा कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम लीडर थे, जिन्होंने मदीना में दुनिया की पहली फलाही रियासत बनाई थी, जहां रहम था और जिसकी बुनियाद ही इंसाफ पर रखी गई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कानून सबके लिए सब बराबर होंगे। मदीना की रियासत की वजह से मुसलमान दुनिया की अजीम कौम बने और 700 साल तक दुनिया की सुपर पावर रहे। हमारे मुल्क ने भी मदीना की रियासत की तरह मॉडल और दुनिया में मिसाली मुल्क बनना था। हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो, चाहे मुश्किलें हजारों, तब्दीली आ गई है यारो। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि किधर कायदे आजम और कहां मौजूदा लीडर्स। कायदे आजम के मुखालिफ भी उन्हें सादिक और अमीन कहते थे क्योंकि वो हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम की अमरीकी एयरपोर्ट पर तलाशी ली जाती है। वजीर आजम शाह हकान अब्बासी की अमरीका में तलाशी शर्मनाक है। अगर हमारे मुल्क के वजीर आजम का ये हाल होता है तो आम पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक होता होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इमरान खान का कहना था कि नून लीग की हुकूमत में मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, हमारे पास कर्जों की किस्ती दुनिया के लिए पैसा है। 7 सालों में 6000 अरब कर्ज था, लेकिन 2008 से लेकर 2013 में 13000 कर्जा चला गया था। ये पैसा आवाम को महंगाई के जरिए देना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में कहना था कि ये वो सब्जाजार है जहां कायदे आजम की कयादत में हिंदुस्तान के मुसलमानों का फैसला हुआ। आज कौम ने इमरान खान को पुकारा है। उन्होंने कहा कि उन 72 सालों में पाकिस्तान की कैफियत क्या हो गई, आधा पाकिस्तान 70 की दहाई में दोलख्त हो गया। चार मर्तबा पीपल्स पार्टी को मौका मिला, तब्दीली आई। 3 मर्तबा नवाज शरीफ को मुल्क का वजीर आजम मुंतखब किया, तब्दीली आई। 6वीं मर्तबा पंजाब में आज भी नून की हुकूमत है। आज मुल्क का हर बच्चा 1,30,000 का मकरूज पैदा हो रहा है। आज 70,000 शहादतें पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ दी हैं। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि आज फिर इमरान ने कौम को पुकारा, कौम इंटो पार्क उमड़ आई है। जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाहिल करार दिया उनको दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे। क्या आप भत्ताखोरों का मुकाबला करोगे? आज 8 साल जैनब की मां सवाल कर रही है, इमरान खान क्या उसे इंसाफ दिलवाओगे? उनका कहना था कि इमरान खान अपने खिताब में सब सवालों का जवाब देंगे। अगर इमरान ने सारे सवालों का जवाब दिया तो फिर इमरान का साथ दोगे?
कौम ने तवील इंतजार कर लिया है, अब नहीं तो कब लाहौरियों चुप के ताले खोलो। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि चेयरमैन साहब सारे एक सवाल लेकर आए हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारी कॉल पर आते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया क्या तुम उसे दोबारा मुसल्लत होने दोगे, कब्जा माफिया भत्ताखोरों का मुकाबला करोगे या मसलहत की सियासत करोगे, अब कौम कह रही है न तेरी न मेरी, इस दफा इमरान की बारी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने अपने खिताब में कहा कि जब लाहौर सो जाता है तो कौम सो जाती है, लेकिन आज कौम जाग उठी है। ये धोखेबाज लोग ये सिर्फ वोट वोट के दिन तक शरीफ हैं। चार सालों में 35 अरब रुपया कर्जा लिया है, 70 सालों में 40 अरब डॉलर कर्जा है, वो मुद्दा पता नहीं कहां से उसका मुद्दा लग गया है। इमरान खान के साथ इसलिए हूं कि मैं इमरान खान को इस वक्त सबसे बेहतर और सही इंसान समझता हूं। मीडिया मेरे खिलाफ तूफान खड़ा कर देता है कि जी ये जुडिशियल मार्शल की बात करता है। कोई कोर्टस नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई थाना नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। सारे मुल्क में मैं इमरान खान की हमायत का ऐलान करता हूं और पीटीआई की हमायत का ऐलान करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं तब्दीली चाहता हूं, मैं सच का साथ दूंगा। शेख रशीद ने कहा कि ये धोखेबाज लोग वोट के दिन तक शरीफ हैं, चार साल में 35 अरब डॉलर कर्जा लिया गया। शेख रशीद ने कहा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार को अवाम के समुंदर में सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट होने के करीब है, हुकूमत ने चार सालों में 35 अरब का कर्जा लिया। उनका मजीद कहना था कि 70 सालों से एक चोर जाता है और दूसरा आ जाता है, इमरान खान अपने नौजवानों के साथ खड़े हो जाओ, ये इंकलाब लाएंगे, चले हुए कारतूस इंकलाब नहीं ला सकते। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को कामयाब जलसे पर मुबारकबाद देता हूँ। पार्टी रहनुमा शीरी मजारी ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम और पासपोर्ट को इज्जत दिलाएंगे। उनका कहना था कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने दौलत ही नहीं लूटी बल्कि मुल्क को भी रुसवा किया। जलसे से खिताब में तहरीक इंसाफ सिंध के सदर आरिफ उलवी ने कहा कि सिंध में राव अनवाज जैसे दरिंदे फिरते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पूरे मुल्क से नवाज शरीफ को निकाल दिया है, अब वो पूछेंगे कि मुझे क्यों निकाला। ये धोखेबाज लोग ये सिर्फ वोट वोट के दिन तक शरीफ हैं। चार सालों में 35 अरब रुपया कर्जा लिया है, 70 सालों में 40 अरब डॉलर कर्जा है, वो मुद्दा पता नहीं कहां से उसका मुद्दा लग गया है। इमरान खान के साथ इसलिए हूं कि मैं इमरान खान को इस वक्त सबसे बेहतर और सही इंसान समझता हूं। मीडिया मेरे खिलाफ तूफान खड़ा कर देता है कि जी ये जुडिशियल मार्शल की बात करता है। कोई कोर्टस नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई थाना नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। सारे मुल्क में मैं इमरान खान की हमायत का ऐलान करता हूं और पीटीआई की हमायत का ऐलान। मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ के जलसे में जहां जुनून के खिलाड़ी मुख्तलिफ रंग के कपड़े पहनकर आए हैं, वहीं पर लोगों को अपनी तरफ मतवजा करने के लिए मुख्तलिफ रूप धारे हुए हैं। मजीद जानते हैं मलिक मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जलसे में तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों को अपनी तरफ मतवजा करने के लिए खिलाड़ी मुख्तलिफ रूप बदल के यहाँ पे आए हैं। कुछ तो तहरीक इंसाफ के झंडे के रंग के कपड़े कईयों ने पहन रखे हैं, कईयों ने टोपियाँ पहन रखी हैं, इसी तरह तरीके इंसाफ के रंग के स्कार्फ रखे हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं एक, क्या नाम है जी इनका? जी इनका नाम गुल खान है और ये हर जलसे में पहुंचा होता है, बाकी बात आप इससे पूछे। जी गुल खान साहब कहां से आए हैं आप? जी भाई जान मैं पाकिस्तान से आया हूँ, पूरे पाकिस्तान से, और मैं यहाँ पे आया हूँ कि लोगों को बताने के लिए कि हम एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, एक पाकिस्तान जिसमें अमीर गरीब के लिए एक पाकिस्तान होगा, एक कानून होगा। वो लोग कहाँ गए जो बोल देते और कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, वो कहाँ गए जो कहते थे मुझे क्यों निकाला। अब नया पाकिस्तान बनेगा, इंडस्ट्री लगेगी, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, लोग बाहर से यहाँ काम करने आएंगे, खुशहाल पाकिस्तान होगा और वज़ीर आज़म होगा इमरान खान।
ये बताएं कि आज आपके जो कायद हैं इमरान खान, ये क्या ऐलान करना चाह रहे हैं, यहाँ इंतहाबी मुहिम का आज ऐलान होगा? जी, इमरान खान अपना मंशूर पेश करेंगे और मुझे उम्मीद है अच्छा मंशूर होगा। पहले भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने, मुख्तलिफ पार्टियों ने मंशूर पेश किया, किसी ने रोटी कपड़ा और मकान का बोला, किसी ने बोला हम इसको चेंज कर देंगे, पानी ले आएंगे, मेट्रो बनाएंगे और ट्रेन बनाएंगे वगैरह वगैरह, मगर कुछ नहीं हुआ। गरीब आवाम का किसी ने सोचा अभी इमरान खान इस पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा और नया पाकिस्तान बनेगा। इमरान खान जोर से बोलो, इमरान खान, इमरान खान। इंशाल्लाह इस जलसे से इतनी आवाम में ताकत आई है और इस जलसे में हम इतने जोश व गरोश से सारे आए हुए हैं कि इंशाल्लाह इसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि करप्ट हुकूमत के जाने का टाइम आ गया है। और टाइम तो इनका पहले से आ चुका है और ये जा भी रहे हैं, लेकिन इनकी ढिटाई है जो ये तख्त नहीं छोड़े, कुर्सी नहीं छोड़े। लेकिन इंशाल्लाह अब आइंदा वक्त 2018 है ये, और इसमें ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे इंशाल्लाह। गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची में ताकत के जोर पर पीपल्स पार्टी की हिमायत खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कुछ भी कहे कराची वाले जानते हैं कि तारीकियों और नस्ल परस्तों के दौर में कोई कहां खड़ा था तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही थी। कराची के इलाके लियाकताबाद में पीपल्स पार्टी के जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये वही इलाका है जहां पहले गोली बाद में बात का नारा लगाकर नफरत, खौफ और दहशत को फरोग दिया गया, लेकिन आज से इलाके में खड़े होकर जिए भुट्टो का नारा लगाकर खिताब करने पर खुशी है। अहले कराची को सलाम पेश करता हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ और यहीं स्कूलों में इब्तदाई तालीम हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ताकत के जोर पर पीपल्स पार्टी की हिमायत को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कुछ भी कहे कराची वाले जानते हैं कि तारीकियों और नस्ल परस्तों के दौर में कोई खड़ा था तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी थी। हमें याद है कि घरों में घुसकर पीपी के कारकुनों को जला दिया गया, लेकिन देख लो हम फना नहीं हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कराची में अमन कायम हो चुका है, हमने पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है, अब मुस्तकिल अमन के लिए पुलिस को सियासी भर्तियों को पार करना होगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची को अभी लंदन वाले से आज़ाद कराया है, अब मुस्तकिल कौमी मुसीबत के हर से आज़ाद करवाएंगे। मुस्तकिल कौमी मुसीबत ने 30 सालों में कराची वालों के लिए कुछ नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में एमकेएम माफिया बनकर हुकूमत करती रही, लेकिन कभी पानी और बिजली की कमी को ख़त्म नहीं किया। अगर बानी एमकेएम बड़ा रहा तो उसके साथ साथ उसके सहूलतकार भी बुरे रहे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर बानी एमकेएम बुरा है तो उसको छोड़कर अपनी दुकान चमकाने वाले भी बुरे हैं। तहम फैसला कराची की आवाम ने करना है, हम बानी एमकेएम की सियासत के पहले दिन से खिलाफ हैं, जो अपने लीडर के ना हो सके वो कराची वालों के कैसे होंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में टैंकी ग्राउंड में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इतने बड़े शहर के लिए आपको यही ग्राउंड मिला था, यहाँ जितने लोग हैं उनके लिए तो इससे 10 गुना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए था। उनकी तकरीर सुनने कराची शहर मेरे लिए नया नहीं है, मैं यहाँ पैदा हुआ, जैसे चेयरमैन साहब भी यहाँ के पैदा हम कहते हैं ना, आज एक नारा चलाए जी कराची पीपल्स पार्टी का, कराची भुट्टो का, इसलिए कि बिलावल कराची का है, बिलावल साहब कराची में पैदा हुए और आपके ये और कराची बिल्कुल बिलावल साहब का है। ये हमारा सूबा बाबुल इस्लाम है, इस्लाम इस सूबे में आया, पाकिस्तान की करारदाद सबसे पहले सिंध असेंबली में पेश हुई, ये सूबा पाकिस्तान बनाने वाला सूबा है, और जब पाकिस्तान बन गया उससे लेके आज तक, बल्कि उससे भी पहले सिंध में ये खासियत है कि ये
जो भी आता है उसको अपने आगोश में ले लेता है। मैं खुद सिंध में हमारे बड़े, उन्होंने कहा कि ऐसी की दिहाई से लेकर कराची और पूरे मुल्क के साथ जुल्म होता रहा। इस शहर में हमारा अपना खून शामिल है, वो जगह यहाँ से दूर नहीं जहाँ मेरे चचा को शहीद किया गया। कराची बिलावल भुट्टो का है, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के लीडर हैं और पीपल्स पार्टी पूरे कराची में कामयाबी हासिल करेगी। वजीर आला सिंध ने कहा कि इस्लाम सबसे पहले सिंध में आया, जबकि PSL का फाइनल कराची में कराने का वादा पूरा किया। मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन से पहले नए वारिस पैदा हो गए हैं। इमरान खान बल्ला लेकर क्रिकेट खेले, अवाम की खिदमत करना इमरान खान का काम नहीं है। ने खुशामदीद कहा और हम बड़ी अच्छी तरीके से भाईचारगी से हम साथ रह रहे थे, और फिर क्या हुआ, हमारे इस प्यारे सूबे को, इस प्यारे मुल्क को नजर लग गई। एक डिक्टेटर जियावत के नाम से उसने इस मुल्क में सबसे पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी। मुतहदा मजलिस अमल और जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मगरिब के एजेंडे को पाकिस्तान में नाफिज होने नहीं दिया जाएगा। मर्दान में मुतहदा मजलिस अमल के दोबारा बहाली के बाद पहले जलसा आम से खिताब करते मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अक़वामे मुतहदा को कश्मीर और अफगानिस्तान के मरने वाले लोग नजर नहीं आ रहे। अक़वामे मुतहदा की छतरी के नीचे शाम में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। आपके सूबे की मौजूदा हुकूमत वो अपने स्कूलों के दरवाजों पर जो लोगो छाप रहा है वो लोगो मगरिब में हम जिंस परस्ती की अलामत है। आज मगरिब की हम जिंस परस्ती की अलामतें आपके हर स्कूल। उन्होंने कहा कि आजकल पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये चोर है वो चोर है, उसका आसान फार्मूला है हुकूमत MMA के हवाले कर दो, करप्शन खत्म हो जाएगी। उनका कहना है कि मुल्क में कुछ पता नहीं हुकूमत किसकी है, हुक्मरान अदालतों में खड़े हैं, कमजोर निजामे हुकूमत मुल्क को तरक्की नहीं दे सकता। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी दबाव में है, हमारी सियासत और पार्लियामेंट बैनुल अक़वामी दबाव में रहती है और मुल्क में कानून साज़ भी बैनुल अक़वामी दबाव में आकर की जाती है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है लेकिन मुल्क में 70 साल से सूद का कारोबार जारी है। ये करप्ट है और वो करप्ट है और उसने लूटा और उसने लूटा, ये चोर है और वो चोर है, और करप्शन कैसे खत्म की जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत मुत्तहिदा मजलिस अमल के हवाले कर दो करप्शन। उन्होंने कहा हम मगरिब के एजेंडे को पाकिस्तान में नाफिज नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि आज बंदूक और तलवार की जगह वोट ने ले ली है, अवाम का वोट तलवार भी है और बंदूक भी, इसीलिए वोट की पर्ची को हक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि 13 मई को पूरे पाकिस्तान से लोग मीनारे पाकिस्तान पर जमा होंगे जिसमें कौम को पाकिस्तान की असास याद दिलाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि करारदाद पाकिस्तान को कैसे अमली जामा पहनाया जाता है। रॉयल न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। जलसे से खिताब करते हुए एमएमए के मरकजी नायब सदर और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि आज सारे दीनी जमातों की क़यादत एक मरकज पर जमा हो गई है, लेकिन हम पर यह एतराज़ किया गया कि उलमा और मशाइख क्यों इकट्ठे हुए। अब हम इकट्ठे हुए तो एतराज़ होता है और अलग हों तब भी एतराज़ होता है। उन्होंने कहा कि हमने अभी कदम नहीं उठाए और उनके रंग पीले हो गए हैं, लेकिन अब हम एक हो गए हैं तो इस्लामी निज़ाम का निफाज कोई नहीं रोक सकता। उनका कहना था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का कल्चर तहरीक पाकिस्तान और कायद आजम के वीएन से गद्दारी है, मुल्क में फहाशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिराजुल हक का कहना है कि पनामा लीक्स और नैप में किसी आलम का नाम शामिल नहीं और करप्शन फ्री पाकिस्तान सिर्फ एमएमए की बना पर हो सकती है, लिहाजा एमएमए इक्तदार में आकर सियासी और इखलाकी करप्शन का खात्मा करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 85% नौजवान इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, हमारी सियासत अमेरिका की नहीं मदीना मुनव्वरा की है और हम किसी सूरत कानून नामों से रिसालत से छेड़छाड़ को कबूल नहीं करेंगे। आपकी जरूरत कैसे हुई मेरे दामाद से मुझे सिफारिश कराने की? चीफ जस्टिस बरहम, मैं जहाद कर रहा हूं, आप सिफारिश करवा रहे हैं, आपको माफी नहीं? जाए बताएं जिसने मुझसे सिफारिश कराने का मशवरा दिया, डीआईजी गुलाम महमूद ओगर की क्लास। जस्टिस आकिब निसार ने दामाद को भी अदालत तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डीआईजी गुलाम महमूद डोगर के बच्चों के हवालगी केस की समाअत की। इस मौका पर जस्टिस मियां साकिब निसार ने डीआईजी गुलाम महमूद डोगर की जानिब से अपने दामाद के जरिए सिफारिश करवाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसने आपको मशवरा दिया कि मेरे फैमिली मेम्बर से सिफारिश करवाई जा सकती है, आपकी जरूरत कैसे हुई मेरे दामाद से मुझे सिफारिश करवाने की? जस्टिस मियां साकिब निसार ने डीआईजी गुलाम महमूद डोगर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कैसे सोच लिया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कोई सिफारिश करेगा, मैं जहाद कर रहा हूं और आप मुझे सिफारिश करवा रहे हैं। इस मौका पर डीआईजी गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि मैं अदालत से गैर मशरूत माफी मांगता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जराए बताएं जिसने आपको मुझे सिफारिश करवाने का मशवरा दिया। अदालत के तलब करने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दामाद खालिद रहमान पेश हुए, जिस पर बंद कमरा में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश की। चीफ जस्टिस ने अपने दामाद से इस्तफसार किया कि बताएं आपको किसने सिफारिश का कहा, आप मेरे बेटे घर पर होंगे, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं। दामाद खालिद रहमान ने बताया कि मुझे डीआईजी गुलाम महमूद डोगर ने सिफारिश की थी, जिनका कहना था कि उनके बेटों और साबिक अहलिया का नाम ईसीएल में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस से कहा कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गैर मशरूत माफी मांगता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि इस केस की मजीद समाअत चैम्बर में होगी। याद रहे कि डीआईजी गुलाम महमूद डोगर की साबिक अहलिया ने अपना और बच्चों का नाम ईसीएल में डलवाने पर अदालत से रुजू किया था। अभी आपको बताएं मंगेतर का लड़की से लाखों का फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमे की समाअत। आप दगा देकर कभी हाई कोर्ट आ जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट। माँ बाप कितनी मेहनत से बच्चियों का घर बसाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को माफ नहीं करूंगा, चीफ जस्टिस ने नौजवान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इतवार को भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में साइलिन के मसाइल सुने। एक साहिल खातून ने चीफ जस्टिस को मंगेतर की जानिब से 1.5 करोड़ फ्रॉड केस की शिकायत की थी, जिसकी समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस ने फ्रॉड के मुलजम को कमरा अदालत से गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का सीआईए और एफआईए को 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। खातून जिले हुमा ने अदालत को बताया था कि साबिक मंगेतर ने फ्रॉड से 50 लाख और उसकी जायदाद हथिया ली थी, जबकि साबिक मंगेतर रकम वापस करने के बजाय धमकियां दे रहा है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बदमाशी है कि बच्चों के साथ फ्रॉड किया जाए और कहा मुलजिम को गिरफ्तार करवाते हैं, आधे घंटे में सच बता देगा। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि फ्रॉड करने वालों ने मजाक बना रखा है, फ्रॉड करके कभी हाईकोर्ट आगे सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट में भारी तनख्वाह का अस्खुट नोटिस ले लिया।
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में भारी तनख्वाहों का अर्ज खुद नोटिस लेते हुए, जबकि उनका कहना था कि बजट और भर्ती किए गए डॉक्टर्स और अमले की तफसीलात पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने PKLIA में मुलाजमीन के सर्विस स्ट्रक्चर की तफसीलात भी तलब कर ली, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी आज शाम तक तमाम तफसीलात मेरे घर पर फराहम की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के नोटिस में आया है कि 15-15 लाख रुपए पर डॉक्टर्स को भर्ती किया गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि PKLIA का सरबराह कौन है। कमरा अदालत में मौजूद चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि डॉक्टर सईद अख्तर PKLIA के सरबराह हैं और वो अमरे की अदायगी के लिए गए हुए हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि सुना है डॉक्टर सईद की अहलिया भी PKLIA में तैनात की गई हैं। अदालत को तमाम तर तफसीलात फराहम की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि तब्दीली और नया पाकिस्तान बनाने के दावेदारों की कारकर्दगी सबके सामने है। सियासी शोबदाबाजों ने 5 बरस में आवाम की खिदमत की बजाय तरक्की के अमल में रुकावटें डाली। उन्होंने कहा कि तब्दीली और नया पाकिस्तान बनाने के दावेदारों की कारकर्दगी सबके सामने है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी काबिले जिक्र मंसूबा शुरू नहीं किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी की बिना पर आवाम के दिलों में बसती है। खिदमत और तरक्याती मंसूबों की बदौलत आइंदा इंतखाबात में फतह हासिल करेंगे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज भी मर्दान में होने वाले जलसे में शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया था। आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत गलती से सरहद पार करने वाले भारतीय शहरी दिलविंदर सिंह को वापस कर दिया है। पाक फौज के शोबे तलुकाते आमा के मुताबिक 23 साला दिलविंदर सिंह 6 मार्च 2017 को कसूर के करीब गांव बलानवाला में दाखिल हुआ था। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि पंजाब रेंजर्स ने दिलविंदर सिंह को कानूनी अमल के बाद वाहिगा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया। ISPR का कहना है कि दिलविंदर सिंह ने ख्याल रखने और वापस भिजवाने पर सिक्योरिटी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। वो स्पीड स्लो हो गई थी प्रॉम्प्टर के, इसलिए मैं स्क्रीन देख लिया करो ना यार, वो मेरा ध्यान पढ़ने में था तो पता नहीं चला, मैंने फंबल से बचने के लिए किया। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, पाक बहरिया ने 8 रोज से समुद्र में फंसी भारतीय कश्ती बचा ली है। 12 माहीगिरों को डूबने से बचा लिया गया है। जिंदा बचने वालों का पाक बहरिया को थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इंजीनियर्स ने कश्ती मुरम्मत की, माहीगिरों को खिलौना खाना खिलाया और उसके बाद रुखसत कर दिया।
ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بھارتی ماہی کی کشتی ایس ٹی مارس انجن میں خرابی کے باعث کھلے سمندر میں مشکلات کا شکار تھی، تاہم ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچا۔ کشتی میں سوار 12 افراد بھوکے پیاسے نڈھال تھے۔ پاک بحریہ کے جہاز عالمگیر نے انسانی ہمدردی کے تحت بھارتی ماہی گیروں کی مدد کی۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق پی این ایس عالمگیر کی ٹیکنیکل ٹیم نے بھارتی کشتی کے انجن کی فنی خرابی کو دور کیا، جبکہ ماہی گیروں کو اشیاء خورونوش کے ساتھ طبی امداد بھی فراہم کی، جس پر بھارتی ماہی گیروں نے اظہار تشکر کے طور پر کھلے سمندر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ انسانی مدد کے آپریشنز کی انجام دہی میں بھی پیش پیش رہتی ہے، اور یہ آپریشن اس بات کا بھی غماز ہے کہ پاکستان علاقائی امن کا خواہ ہے۔ رائل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈاٹ ٹی وی، اور دیکھتے رہیے صرف رائل نیوز۔